10 साल शासन करने के बाद डेली का डेली और भी केस बढ़ता जा रहा है। उन सबके बीच में वो जो डर होना चाहिए वो डर और नहीं है। कैपिटल पनिशमेंट इज द ओनली सोल्यूशन। कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए, कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। 16 दिन हो चुका है, सीबीआई ले चुका है। 16 दिन में अभी तक पता नहीं चला। सो लोगों का भरोसा टूट जाएगा अगर सीबीआई नहीं बोल पाएगा 16 दिन के बाद, तो लोग और किस पे भरोसा करेंगे? सीबीआई तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अगर हमारे देश में सुधर नहीं रहे हैं लोग, तो हमें एक डर लाने के लिए मन में और उसको बंद करने के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए कैपिटल पनिशमेंट लाने से ही वो डर आएगा सबके मन में। जब 2012 में निर्भया का केस हुआ था, पूरा देश हमारा हिल गया था। उसके बाद कांग्रेस सरकार के वक्त 2013 में क्रिमिनल लॉ भी अमेंड हुआ था और ये शी पोर्टल जो प्रिवेंशन हैरेसमेंट का एक्ट भी 2013 में आया था। तो 10 साल शासन करने के बाद डेली का डेली और भी केस बढ़ता जा रहा है। उन सबके बीच में वो जो डर होना चाहिए वो डर और नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी उस वक्त एस्टैब्लिश किया गया था। आप खुद बताइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कितने केस हुआ है सॉल्व, कितने कन्विक्ट हुए हैं, कितने को पनिशमेंट दिया गया है, यही दिखा देता है कि हमारा पूरा देश का स्थिति क्या है, होम विभाग का क्या स्थिति है। अभी यही बोलूंगी कि ये समस्या सिर्फ बंगाल का नहीं है, दुख की बात है। भुवनेश्वर में कल, अगर आप जानते हैं, एक 4 साल की बच्ची पे जब हो सकता है इस टाइप का आक्रमण और रेप, तो हम बड़ों की क्या बात बोलेंगे। सो हर जगह, चाहे आप मणिपुर देख लें, चाहे यूपी देख लें, मध्य प्रदेश देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, भुवनेश्वर देख लीजिए, कटक एससीबी में भी हुआ था, ये सब कभी भी नहीं सुधरेगा। यही हम बोलेंगे, डबल इंजन सरकार है हमारे उड़ीसा में, यहाँ पे भी बीजेपी है, सेंट्रल में भी बीजेपी है, उनके हाथ में सारा पावर है। ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कैपिटल पनिशमेंट इज द ओनली सोल्यूशन। कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए, कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। कोलकाता वेस्ट बंगाल का अगर आप केस बोल रहे हो, 16 दिन हो चुका है, सीबीआई ले चुका है, 16 दिन में अभी तक पता नहीं चला। सो लोगों का भरोसा टूट जाएगा अगर सीबीआई नहीं बोल पाएगा 16 दिन के बाद, तो लोग और किस पे भरोसा करेंगे? सीबीआई तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो ये एक फेलियर है सिस्टम का, पूरा गवर्नमेंट का फेलियर है, एक्सेप्ट करना है और तुरंत इस पे एक्शन लेना है। और जब तक दंड बहुत कड़ा नहीं होगा, जब तक लोगों के सामने दंड नहीं दिया जाएगा, तो वो डर नहीं आएगा किसी के मन में और ये रुकेगा नहीं। तो ममता बनर्जी बोल रही है कि स्पेशल सेशन बुला के 10 दिन के अंदर कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। बहुत सारे आप देखेंगे कंट्री है, बहुत सारे देश हैं जहां पे कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है। अगर आप इंडेक्स देखे होंगे, ये एक हफ्ते पहले निकला है कि अबू धाबी इज द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वहां पे भी पनिशमेंट बहुत स्ट्रिंजेंट है। तो अगर हमारे देश में सुधर नहीं रहे हैं लोग, तो हमें एक डर लाने के लिए मन में और उसको बंद करने के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए कैपिटल पनिशमेंट लाने से ही वो डर आएगा सबके मन में एंड कुछ और ये रुकेगा, ये दंड, ये केसेस रुकेंगे और आक्रमण रुकेगा। वुमेन सेफ्टी जो है वो हम सबके लिए बहुत जरूरी है, इसके लिए लॉ होना चाहिए। इसके ऊपर पार्लियामेंट में भी बात होगी और इसके ऊपर मुझे लगता है कि जरूर कानून जो है वो पास होना चाहिए। इस तरीके से अगर वारदातें होती रहेंगी तो फिर हम कैसे कहेंगे कि हमारा देश जो है वो सुरक्षित है। पार्लियामेंट में भी बात होगी और इसके ऊपर मुझे लगता है कि जरूर कानून जो है वो पास होना चाहिए। वुमेन सेफ
सेफ्टी जो है वो हम सबके लिए बहुत जरूरी है, इसके लिए लॉ होना चाहिए। तरीके से अगर वारदातें होती रहेंगी तो फिर हम कैसे कहेंगे कि हमारा देश जो है वो सुरक्षित है। वुमेन सेफ्टी जो है वो हम सबके लिए बहुत जरूरी है, इसके लिए लॉ होना चाहिए और इसके ऊपर पार्लियामेंट में भी बात होगी और इसके ऊपर मुझे लगता है कि जरूर कानून जो है वो पास होना चाहिए कि इस तरीके से अगर वारदातें होती रहेंगी तो फिर हम कैसे कहेंगे कि हमारा देश जो है वो सुरक्षित है, हमारी माताओं के लिए, बहनों के लिए। वो भी हमारी ही बेटी थी जिसके साथ ये हशर हुआ है, तो मेरे ख्याल से इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। सबको इकट्ठे मिलके इसके ऊपर जो है वो एक कानून बनाना चाहिए जो कि बहुत सख्त कानून हो, ताकि कोई भी दरिंदा ऐसी हरकत करने से पहले हजार बार सोचे। बंगाल की आम लोगों की मांग जो है, पीड़िता का परिवारों की जो मांग है, इंसाफ की मांग, वो इंसाफ की मांग में हम सर में सर मिला रहे हैं और कुछ नहीं। सीएम ममता बनर्जी की बात करें तो उन्होंने इनडायरेक्टली ही बोल दिया कि इस्तीफे की तो सवाल ही नहीं उठता है। ममता बनर्जी खुद ये नहीं चाहते कि इसका सही ढंग से तफ्तीश हो, बहुत सारे राज खुल जाएगी ना, वो नहीं चाहती, इसलिए अनाप शनाप बोलते हैं, लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और आम लोगों की निगाह भटकने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोग छोड़ने वाला नहीं है, ये जन आंदोलन में शामिल तब्दील हो चुके हैं। डराने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब पता चली कि आम लोग बेखौफ है, डरते नहीं, तब उन्होंने बयान पलटी पलटी बयान को पलटू मारने की कोशिश कर रहे हैं, बयान को घुमा फिराने के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग डरते नहीं उनसे। वो सोचते हैं कि उनके हाथ में बहुत सारे गुंडे गर्दे हैं, कुछ करेंगे, दहशत गर्द फैलाएंगे, लेकिन लोग डरने वाला नहीं है। बस और हो गया।